सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को मैं शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शिव जयंती मनाया जा रहा है। हमारा पूरा टीम रैली में थे, साथ में थे, और अलग अलग प्रकार के जैसे कि नासिक ढोल है, धारपा भी उसमें शामिल किया गया है, जो हमारा दादरा नगर हवेली का कल्चर है। वो बहुत ही मुझे देख के खुशी हुई कि धारपा जो हमारा कल्चर है यहाँ का, दादरा नगर हवेली का, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। और बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और शिवाजी महाराज के जो उनका जो रूल था, उनका जो हमने प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्वरूप हमको सबको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ऐसे में आप ये करती हूँ। जिस तरह से देखा आपने कि युवा हो, महिला हो, हर लोग यहाँ पर, हर समाज के लोग इसमें एकत्रित हुए हैं, शामिल होकर इस जयंती उत्सव को मना रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एकता का परिचय यहाँ पर देखने को मिला? ये बहुत अच्छा देखना मिल रहा है कि इसमें धर्म और जाति ये सब नहीं मानते हुए सबने एकता रख के इतना अच्छा जो ओकेशन मना रहे हैं। तो एकता है दादरा नगर हवेली में, एकता सबको साथ में लेके चलने की है, पहले से चल रही है और आगे भी कायम रहेगी। आज के दिन 393 जन्म जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती पे इतनी बड़ी संख्या, इतना जबरदस्त महोत्सव मेरे प्रदेश में मैंने पहली बार देखी है। और जिस तरह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है, मैं बहुत धन्य मानता हूँ। मैं बहुत नसीब मेरा, मतलब नसीब मेरा अच्छा है कि इतने जबरदस्त माहौल में मुझे आने को मिला। हमारे भारत देश के एक महान योद्धा जिनको हम आज याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, और उनको याद करके एक जश्न और एक जोश, और वही उनकी जो विचारधारा, उनका जो जोश हर किसी में हमारे में रहना चाहिए, प्रदेश के तरफ, देश तरफ। तो यही कह के मैं मेरे प्रदेश के सारे लोगों को मैं उनके जन्म जयंती पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत खुशी की बात है जिस तरह से हमारे संगठन के लोग, हमारे प्रदेश के लोग जिस तरह से उत्साह बना रहे हैं, हर साल इसी तरह उत्साह बनाया जाए, उनको याद किया जाए, हमारे भगवान जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाए और उनकी सोच हम आगे लेके जाए, और ये महोत्सव में और लोग जुड़े और इनको जबरदस्त करें, वही मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे ग्रुप ने इतना जबरदस्त माहौल, इतने सालों में पहली बार ये इतना अच्छा माहौल देखने को मिला, उसके लिए मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सभी मेरे भाइयों, बाबू भाई से लेके अजय भाई से लेके हितेश भाई से लेके हमारे यंगस्टर ऋषि जैसे भी सभी लोगों का, मैं सारे का नाम लूँगा तो शायद से काफ़ी टाइम निकल जाएगा, लेकिन सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारा भी सहयोग रहेगा प्रदेश की तरफ, जिस तरह से इन्होंने इतना सहयोग दिखाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके लिए हमेशा रहेंगे, हमारे समाज के लिए रहेंगे, हमारे मराठी समाज के लिए रहेंगे, और जो भी भविष्य में काम रहेगा हम सब साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। 19 फरवरी 1630 ये शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आज दादरा नगर हवेली और दमन दीव में शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश भर में ये 392वीं जन्म जयंती है। महाराजा शिवाजी के समय में मराठा साम्राज्य के माध्यम से इस देश भर में शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य कश्मीर तक फैलाया था, और आज उनके जन्म जयंती के दिन पूरा प्रदेश शक्ति, सामर्थ्यता, ताकत और पराक्रम की प्रेरणा ले रहा है, और पूरे देश भर और इस प्रदेश में शिवाजी महाराज के जन्म जयंती से हमें शक्ति और सामर्थ्य की प्रेरणा मिलती है। यही का साथ आज हम दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश के सभी जनताओं को शिवाजी महाराज के जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भारत देश के सभी वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
और मैं ये कहना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीयता की एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ा इतिहास है। इस तरह की से छत्रपति शिवाजी महाराज अखंड भारत की एकता के लिए पूरा जीवन लगा दिया था, उसी तरह का चित्र आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दादरा नगर हवेली महाराष्ट्रीय समाज है, उन्होंने यहाँ पर सारे समाज को एक करके सारे समाज की झांकी को दिखा के पूरे दादरा नगर हवेली को एक करने की एक झांकी दिखाई है। हमें बहुत ही खुशी है, इससे हमारे प्रदेश की एकता बढ़ेगी, हमारे प्रदेश की संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा। आज शिवाजी महाराज की 393 जयंती जन्मोत्सव है। आज पूरा सिलवासा के अंदर आज आप अगर देखेंगे तो पूरे समाज के पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा है कि जब सभी समाज के लोग एक साथ आके शिवाजी महाराज को पूजनीय समझते, हिंदुस्तान के वो राजा थे और हिंदुस्तान का राजा पूरा हिंदुस्तान के लोग उनका आदर करते हैं। अरे आज भी पूरा महाराष्ट्र से लेके पूरा यूपी बिहार एमपी सभी पूरे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और भाई बहुत ही अच्छा एक मैसेज है, जब सभी समाज के लोग एकत्रित होते हैं तभी एक कुछ अच्छी चीज़ उसमें से निकल के आती है। और शिवाजी महाराज के विचारों पे हम सब चलने वाले लोग हैं। जैसा कि देखा जाए तो युवा करना चाहेंगे। आज ये जो रैली है ये हमारे टाइगर ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया है। उन्होंने आयोजित किया गया है बट उसके अंदर में सभी समाज के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक अभी रैली निकलती थी बट आज की जो रैली है ये सभी समाज को लेके साथ में चलने वाली रैली है। तो हम जैसे लोग जो समाज सेवक लोग है हम भी इसमें शामिल हो गए और इस मजा में शिवाजी महाराज को विचारों के साथ हम सब साथ में मिलके चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा समस्त दादरा नगर हवेली शिव जयंती में हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, रूट ऐसा है कि हमारा बालाजी टाउनशिप से लेके छत्रपति राजा चौक तक रैली जाएगी, वहाँ से आमली चार रास्ता जाएगी, आमली चार रास्ता से झंडा चौक जाएगी, झंडा चौक से किलोन नाका जाएगी, किलोन नाका से गोकबार जाएगी, गोकबार से चार रास्ता आएगी, फिर मस्जिद होके छत्रपति राजा चौक से बालाजी टाउन पे समापन होगी। इसमें शामिल हुए बॉम्बे के ढोल पदक है, नासिक के झांझ पदक है, सूरत का डीजे है, यहाँ के अपने दत्तात्रेय डीजे है, अपनी यहाँ की संस्कृति दादरा नगर हवेली की आदिवासी समाज के तापा महोत्सव भी हम लोगों ने उनको भी इन्वाइट किया, वो लोग भी खुशी से हमारे साथ आए हैं। हमारा भजनी मंडल भी है और हमारे बहुत सारे यंग लड़के लोग ये टाइगर ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं और हमारा समस्त मराठी परिवार और अदर समाज भी हमको भर भराट के साथ सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छी रैली और एक अच्छा संदेश देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार है हमारा रैली, ये रैली आगे चलती रहेगी। धन्यवाद। 392 जन्म जयंती है, इस अवसर पर मैं दादरा नगर हवेली दमन निवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और ये 13 साल है, हर साल में बढ़ोतरी हो रही है। देखो हिंदू स्वराज के जो रक्षक थे, जिसने स्थापना की छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने तो कभी समाज को नहीं ये किया था, समाज को एक साथ लेके चलाया था। देखो हर जगह पे कॉन्ट्रीब्यूसी होती है लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म जयंती उसको पे कॉन्ट्रीब्यूसी नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह सफलता होना चाहिए। देखता है, देखा जाए तो इस झांकी में कहीं ना कहीं अगले पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत बड़ी झांकी देखी जा रही है। काफी तमाम जो समाज है यहाँ पर सिलवासा में, वो तमाम समाज यहाँ झांकी में उपस्थित हुआ है। क्या कहना चाहिए उस समाज के लिए जिसका चीज पे आज यहाँ पर ये समाज खाली महाराष्ट्रीय समाज नहीं है, सब समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, राजस्थान समाज है, महाराष्ट्र समाज है, हर समाज के लोग अपने यहाँ उपस्थिति है। ये उपस्थिति देखकर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये किया, उसके लिए हम लोग उनके शुक्रिया करते हैं। अगले साल किस प्रकार अगले साल तो बढ़ता ही रहेगा, एक एक दिन बढ़ने वाला है हर साल में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुनिए क्या कहना चाहेंगे, आयोजन जो है किस तरह से आयोजन किया गया है, कैसा कैसा जो रास्ता जो नापा गया है, किस कहाँ से होकर रैली निकलेगी, कहाँ तक समाप्त होगी, क्या पूरा विवरण है पूरे रैली का। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिति द्वारा यह 13वां वर्ष है और आप देख सकते हैं पूरा सिलवास भगवामय हो चुका है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस जो भव्य रैली आप देख रहे हैं इसके अंदर हमें सभी समाज ने अच्छा समर्थन दिया है। हमने देखा तो यहाँ की हमारी संस्कृति और यहाँ की प्रदेश की संस्कृति को एक साथ लाने की कोशिश की है और काफी सभी समाज ने हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया है। और उन लोगों को जो समाज के साथ नहीं रहना चाहते, मैं ये नहीं कहना चाहता कि काफी लोग ये कहते कि समाज को अलग अलग दिशा के अंदर बांट रहे, लेकिन जो भी रैली है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की हमारी रैली है
और सभी समाज को एकत्र होकर ये रैली निकालनी चाहिए। आज हमारे यहाँ पर सभी समाज ने आकर ये साबित कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये एक के नहीं थे, सभी के थे। तो इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।